बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से पार्टी में ही कई नेताओं में नाराजगी है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर भले ही उन्होंने पार्टी में अलग धाक बनाई हो, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा वो दावा कर रही थी। हालांकि इस हार का ठीकरा शुभेंदु ने पार्टी के ही नेताओं के सिर पर फोड़ दिया है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कुछ नेताओं के अति विश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं को ये लगने लगा था कि बीजेपी 170 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली है, जबकि जमीनी हकीकत पर किसी ने गौर नहीं किया। पूर्वी मेदिनापुर जिले के चांदीपुर इलाके में पार्टी की एक मीटिंग के दौरान शुभेंदु ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अति विश्वास की वजह से ही राज्य में उभरती जमीन स्थिति को समझने में चूक हो गई। बीते साल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, हमने पहले दो चरणों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे कई नेता आत्मसंतुष्टि और अति विश्वास से घिर गए। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया था कि बीजेपी 170 से 180 सीटें जीतने वाली है, लेकिन उन्होंने जमीनी कार्य नहीं किया, इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ी। अधिकारी यहीं थोड़ी रुके, आगे वो कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारी के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठी खुशी मना रही थी। उसके कई नेताओं ने अनुमान लगाया था कि पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी। शुभेंदु दूसरों को गलत क्यों बता रहे हैं? क्या उन्होंने खुद बार बार ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी कम से कम 180 सीटों पर जीतेगी? असल में उन्हें बंगाल की नब्ज नहीं पता, तृणमूल को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।